नमस्कार दोस्तों, एनके नौकरी क्रैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में ओलंपिक खेल से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको 2008 से लेकर 2028 तक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होने वाला है और ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वप्रथम भारत ने स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम हॉकी ओलंपिक में जीता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ करता था? 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया में प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ करता था। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ओलंपिक फुटबॉल की प्रथम महिला रेफरी कौन थी? तो ओलंपिक फुटबॉल की प्रथम महिला रेफरी कनाडा की सोनिया डिरानकोट थी, जो 1996 के अंटालाका ओलंपिक में आई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल कब तक आयोजित होता रहा था? 393 ईसा पूर्व तक प्राचीन ओलंपिक खेल आयोजित होता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी लरीना लाबलिना थी। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लीला रो थी। उसका नाम मेरी लीला रो था। प्राचीन ओलंपिक खेल को रोम के किस राजा ने बंद करवा दिया था? तो थियोडोसियस राजा ने प्राचीन ओलंपिक खेल को बंद करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ करता था? तो 1896 ईस्वी में ईरान के एंथेस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ करता था। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक बोरे पियरे डी कुबार्टिन को माना जाता है। बोरे पियरे डी कुबार्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक माना जाता है, उसका पितामह माना जाता है। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस ओलंपिक में पहराया गया था? तो 1920 के एंटर ओलंपिक में ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम पहराया गया था। किस ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, शुभंकर की शुरुआत कब और किस ओलंपिक से हुई थी? तो 1968 के मैक्सिमो ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत हुई थी। 1968 के मैक्सिमो ओलंपिक से शुभंकर की शुरुआत हुई थी। टेलीविजन पर प्रसारण कब और किस ओलंपिक से हुआ था? ओलंपिक का प्रसारण टेलीविजन पर 1960 के रोम ओलंपिक से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर किस ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी हुई थी, यानी प्रथम बार महिलाओं की भागीदारी? द्वितीय ओलंपिक 1900 ईस्वी में महिलाओं की भागीदारी स्टार्ट हुई थी। ओलंपिक के प्रथम शुभंकर का नाम क्या था? तो ओलंपिक के प्रथम शुभंकर का नाम पालोमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे, यहाँ पे देख सकते हैं ओलंपिक खेल पहले देख लीजिए, 29वां ओलंपिक है 2008 में बीजिंग यानी चीन में हुआ था। 30वां ओलंपिक है 2012 में लंदन में हुआ था। 31वां ओलंपिक खेल 2016 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। 32वां ओलंपिक खेल 2020 में टोक्यो जापान में हुआ था। और 33वां ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। और 34वें ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में हुआ था। दोस्तों इसके बाद मैं अभी ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों ये कैसे याद करना है, 2008 से लेके 2028 तक कैसे याद करना है, 29वें ओलंपिक खेल से 34वें ओलंपिक खेल तक कैसे ट्रिक से याद करना है। देखिए यहाँ पे ट्रिक बनता है दोस्तों बिला रिठो पेला, मतलब ये मज़ेदार ट्रिक नहीं है लेकिन आपको याद इसी तरह से रखना, बिला रिठो पेला। इसमें मतलब 2-3 बार बोलिए तो याद हो जाएगा। बिला रिठो पेला ओलंपिक खेल का याद रख लीजिए। तो बी आई थे बीजिंग, ल से लंदन, री से रियो डी जेनेरो, टी ए से टोक्यो, पी से पेरिस, अल्लाह से लॉस एंजिल्स। अब यहाँ पे 2008 से स्टार्ट करना है दोस्तों, 2008, 2012, 2016, 2020, 24, 28 और इधर कौन सा संस्करण चल रहा है, 29 से स्टार्ट करना है, 29वें, 30वें, 31वें, 32वें, 33वें, 34वें, इस तरह से याद रखना। बिला रिठो पेला यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब एग्जाम में इस तरह से आप लिखिएगा बिला रिठो पेला ओलंपिक खेल। यहाँ पे बी दो दो लेटर लेके चलना है, बी आई को 8 लिख दीजिएगा, अल्लाह को 12, री को 16, अटो को 20, पे को 24 और ला को 28, यानी 2008, 2012, 16, 20, 24, 28 इस तरह से लिखना है दोस्तों। इस तरह लिखिएगा तुरंत याद आ जाएगा कि इस तरह से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शीतकालीन ओलंपिक भी कब हुआ था, तो 23वां ओलंपिक खेल 2018 में दक्षिण कोरिया में हुआ था और 24वां ओलंपिक 2022 में बीजिंग यानी चीन में हुआ था दोस्तों। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बन रहा है दोस्तों, इसी प्रकार से याद रखना होगा दोस्तों। और इस प्रकार के रेगुलर वीडियो पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नोटिफिकेशन बटन दबाने के बाद। तो दोस्तों हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और डेली हमारा वीडियो सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच पाते रहिए। तो जय हिंद।